हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट थर्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। पेपर सेकेंड है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ यूनिट थर्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हिंदी में आप कहते हो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो यूनिट का नाम याद कर लो, क्योंकि यूनिट का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए साहब, क्वेश्चन में फर्स्ट लेता हूँ। एफ ई टी में टर्मिनल होते हैं। बहुत बढ़िया है। एफ ई टी मतलब इसी चीज़ को हमने सॉर्ट कर दिया, जो ये हमारे पास चीज़ है ना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हमने सॉर्ट में क्या बोल दिया है, एफ ई टी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए ना, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि एफ ई टी की फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्टली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पूछी जाती है, ध्यान देना है। चलिए साहब, एफ ई टी में टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं, टिक लगाएं, चार होते हैं। एफ ई टी में चार टर्मिनल होते हैं और ये बात बिल्कुल रियल है। ठीक है, चलिए साहब, मैं अगला क्वेश्चन बोल लेता हूँ। एफ ई टी के प्रकार होते हैं, एफ ई टी के कितने प्रकार होते हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ऑप्शन चुन लो। देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो कन्फर्म ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, वरना इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाओगे। जब तक पता नहीं होगा हमें किसी क्वेश्चन का आंसर, तो बताओ हम कैसे दे सकते हैं। तो एफ ई टी के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, तीन प्रकार का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तीन प्रकार का होता है। और कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सब आगे आ जाएंगे अभी। ठीक है, चलिए साहब, एक जे एफ ई टी के तीन सिरे होते हैं। बहुत बढ़िया, ये है बेटा जनसन फील्ड इफेक्ट थ्योरी, वो जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लाइन पे ध्यान देना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी जे एफ ई टी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि यार जे एफ ई टी की फुल फॉर्म है, तो आप क्या बताओगे, जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए साहब, आगे देखते हैं कितने सिरे हैं। अब देखो, ट्रांजिस्टर के तीन सिरे आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है उसके तीन सिरे होते हैं, एक होता है उत्सर्जक, एक संग्राहक और एक होता है हमारा आधार, इमीटर कलेक्टर, और दूसरा होता है हमारा इमीटर कलेक्टर और आधार। लेकिन ये क्या चीज़ है हमारे पास, एक जे एफ ई टी है, जे एफ ई टी है, ध्यान देना, इमीटर आधार कलेक्टर, इसके तीन टर्मिनल नहीं होंगे, तीन सिरे नहीं होंगे। इसके जो तीन सिरे होते हैं वो ये वाले होते हैं, सोर्स गेट ड्रेन। नॉर्मल ट्रांजिस्टर के तीनों ये होते हैं। अगर नॉर्मल ट्रांजिस्टर है तो ये तीन सिरे होते हैं, लेकिन अगर जे एफ ई टी है तो उसके तीन सोर्स होते हैं, सोर्स गेट एंड ड्रेन, सोर्स गेट एंड ड्रेन। ठीक है, चलिए साहब, आगे देखते हैं। विद्युत धारा सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होती है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। एक जे एफ ई टी के तीन सिरे होते हैं, सोर्स गेट ड्रेन, याद कर लो, एस फोर सोर्स, जी फोर गेट एंड डी फोर ड्रेन। चलिए साहब, आगे देखते हैं। आई डी और इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस अपॉन वी जी एस ऑफ का स्क्वायर एक समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण प्रूफ करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस इक्वेशन को पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है ना वो कैसे लग रही है, नेगलेक्ट लग रही है, मतलब वैल्यू नहीं लग रही है इसकी, मतलब बड़ी खतरनाक इक्वेशन होती है ये वाली। जी फोर होता गेट, एस फोर होता सोर्स, ठीक है, और डी फोर होता हमारा यहाँ पर ड्रेन। जल्दी बताओ बेटा क्या ऑप्शन होना चाहिए इस इक्वेशन का, आप सोच लो। तो सोकले एक ऐसी इक्वेशन, यानी कि सोकले क्या है ये, इसको बोलते हैं हम सोकले इक्वेशन। तो इसको जो है हम ए नंबर पे टिक मार देंगे कि आई डी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस, वी जी एस अपॉन वी जी एस ऑफ स्क्वायर एक समीकरण है सोकले। ठीक है, हो जाएगा याद। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इनको जो है टिक लगाओ बढ़िया करके, क्योंकि यही क्वेश्चन इस साल पेपर में आने वाले हैं। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, नया क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जे एफ ई टी में यदि वी डी एस इक्वल टू 0 तब, यानी कि अगर जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में यदि वी डी एस इक्वल टू 0, डी फोर होता है यहाँ ड्रेन और एस फोर होता है यहाँ पर सोर्स, अगर मैंने 0 कर रखे हैं तो आई डी का मान अनंत हो जाएगा। क्या आईडी का मान 0 होगा, क्या आईडी का मान क्षरण धारा होगी, यानी कि क्षीण धारा होगी, बहुत कम, आईडी इक्वल टू आईजी के बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। तो आईडी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, ठीक है, वीडीएस का मान 0 कर दिया तो आईडी का मान अपने आप कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता। आईडी मतलब ड्रेन में प्रवाहित धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जे एफ ई टी में अक्षय परतों की संख्या होती है, बहुत बढ़िया। जे एफ ई टी में अक्षय परतों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जरा आप मुझे बताओ। है भैया,
JFET में दो होती है, ठीक है, अक्षय परतों की संख्या दो होती है, याद कर लो ठीक से कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अक्षय परतों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। चलिए सब आगे देखते हैं, दिया गया चित्र है, ये चित्र देखो जरा एक बार और अंदाजा लगाओ कि ये चित्र है किस चीज का, यानी कि यहाँ से गेट से जो करंट है वो बाहर जा रहा, और जब इस गेट से करंट बाहर जाता है ना तो वो होता है पी चैनल JFET, पी चैनल JFET, और अगर करंट इस गेट से अंदर की ओर आ रहा होगा तो वो होगा एन चैनल JFET। ये ध्यान देना, अगर गेट से करंट बाहर जा रहा है तो वो होगा पी चैनल, ठीक है, JFET, अगर करंट अंदर आ रहा होगा तो वो होगा एन चैनल JFET, ठीक है, समझ में आया कुछ, मैं समझ में आया, अरे आ गया होगा यार। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास पी चैनल JFET। अच्छा एक चीज़ और है, पिंच ऑफ वोल्टेज के समान है, अब ये रिक्त स्थान दे रखा है, ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज के समान है VG, VGS ऑफ VDS और इनमें से कोई नहीं, तो इसका एक ही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो दिमाग में फंसा लो, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पता तो होता नहीं है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, और याद भी नहीं हो पाते, तो इन क्वेश्चनों को दिमाग में फंसा लो बढ़िया करके कि यार इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये वाला होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला पेपर में आता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के समान है तो VGS ऑफ के समान है, ठीक है, कर लोगे ना कवर इतना, 8 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें, इसके बाद देखते हैं नवा क्वेश्चन। चलो साहब हो गए 8 क्वेश्चन, अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी सर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह है पी चैनल JFET में आवेश भाग होते हैं, तो P4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे या क्वार्टर पे, क्वार्टर पे होता है, क्वार्टर को हम होल भी कहते हैं, आपको जो ये ऑप्शन दे रखा है क्वार्टर, इस क्वार्टर की जगह होल भी हो सकता है, इस पर ध्यान देना है आपको। तो फिलहाल तो ये है कि पी चैनल JFET में आवेश भाग होते हैं, कौन होते हैं बेटे, क्वार्टर होते हैं, P4 पॉजिटिव मतलब क्वार्टर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एन चैनल JFET में आवेश भाग होते हैं तो आपका एक ही राइट ऑप्शन होगा और वो होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N4 होता है निगेटिव, ठीक है, तो N चैनल JFET में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं, M यानी कि MOSFET का पूरा नाम है, MOSFET का पूरा नाम है, MOSFET का पूरा नाम क्या होगा जल्दी बताओ बेटा, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा, या मेटल सल्फाइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा, ए और बी दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन एक ही है, ए नंबर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए साहब पेपर में पूछा जाता, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान देना बेटे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, MOSFET को कभी कभी कहा कहते हैं, कभी कभी यानी कि MOSFET को कभी कभी क्या कहते हो आप, MOSFET को कभी कभी क्या कहते हो, भाई हम तो कुछ नहीं कहते हैं, कुछ ना कुछ तो कहते हो गे? बहुत से गेट वाला FET, या खुले गेट वाला FET, या विद्युत रोधी FET, या लघुपतित गेट वाला FET, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके दिमाग में, होना चाहिए विद्युत रोधी FET, ठीक है, विद्युत रोधी FET, ठीक है, और FET के फुल फॉर्म मैंने बता दिए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं, FET के लिए सही संबंध है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई FET के लिए सही संबंध है क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ फास्टली, म्यू बराबर RD मल्टीपल GM, या RD बराबर म्यू अपॉन GM स्क्वायर, या ऑप्शन सी है GM इक्वल टू RD मल्टीपल म्यू स्क्वायर, डी ऑप्शन है म्यू स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन RD। एक राइट ऑप्शन अपने दिमाग में फंसा लो और सोच लो कि सर इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, ना पता, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर, इसका आंसर है म्यू बराबर RD मल्टीपल GM, ठीक है, तो लाइन पे ध्यान देना, FET के लिए सही संबंध है म्यू बराबर RD मल्टीपल GM। चलिए आगे देखते हैं, MOSFET किस रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि MOSFET का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है लेकिन कोई बात नहीं, अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में लिख लो, MOSFET किस रूप में उपयोग किया जाता है, प्रतिरोधक के रूप में यूज होता है, स्विच के रूप में यूज होता है, धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, किस चीज़ के लिए MOSFET का यूज़ करते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए तो MOSFET का यूज़ होता होगा, और वो होता स्विच के लिए, ठीक है, किसके लिए होता, स्विच के लिए होता, चलिए साहब डाल देता हूँ मैं, है कहाँ है स्विच, ये रहा, ठीक है, बी नंबर स्विच के लिए यूज़ होता। आगे देख लेते हैं, IGFET का पूरा नाम है, IGFET का पूरा नाम क्या, I4 होता है इंसुलेटेड, ठीक है, G4 होता है गेट फील्ड इफेक्ट थ्योरी, दूसरा हमारे पास इंसुलेटेड ग्रिड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर,
ए तथा बी दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि IGFET यानी कि IGFET का पूरा नाम होगा, क्या नाम होगा? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए नंबर पर टिक लगाओ बढ़िया करके। चलिए सब आगे देखते हैं। संकुचन वोल्टेज होता है, संकुचन वोल्टेज कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो मैं ध्यान देना है। संकुचन वोल्टेज होता है, तो ये जो तुम्हारे पास जी वाला है ना ऑप्शन ए, ये भी और जी, यही मेरे पास क्या राइट ऑप्शन है, भी जी ऑफ क्या होता है, संकुचन वोल्टेज होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास यहाँ तक, 16 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए साहब अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं वो करवाता हूँ, या तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 16 हो गए हमारे, आप 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 17 है, मॉस्फेट का निवेशी प्रतिरोध है, निवेशी मतलब होता है इनपुट रेसिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनपुट रेसिस्टेंस। तो मॉस्फेट का निवेशी प्रतिरोध है 100 ओम होगा, 100 किलो ओम होगा, या 100 मेगा ओम होगा, या फिर 10^4 ओम होगा। अब एक राइट ऑप्शन है चुनो और दिमाग लगाओ कि भाई इसका ये राइट ऑप्शन होगा। सोच लिया? चलो अब बताता हूँ मैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कि मॉस्फेट का निवेशी प्रतिरोध होता है 100 मेगा ओम, और ये मेगा मतलब मिलियन, इसको आप मिलियन ही बोलते हो एम को, तो 100 मेगा ओम जो है वो मॉस्फेट का निवेशी प्रतिरोध होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, मॉस्फेट का प्रतीक है। अब चार में सिंबल दे रखे हैं, उनमें से एक सिंबल आपको चुनना है कि कौन सा राइट है इसका, मॉस्फेट का। अगर थ्योरी पढ़ रखी है आपने, JFET पढ़ रखा है, IGFET पढ़ रखा है, MOSFET पढ़ रखा है, तो आराम से आप इसका टिक बता दो, मतलब चिन्ह बता दोगे कि भाई मॉस्फेट का प्रतीक ये होता है। तो कौन सा लग रहा है आपको, ये वाला होता है, सी नंबर, सबसे अलग सबसे डिफरेंट सी नंबर। ठीक है, तो मॉस्फेट का जो प्रतीक है वो कौन सा है आपके पास, सी नंबर है। ठीक है, मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, एक राइट ऑप्शन चुनो कि मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, सोच लिया? ठीक है, मॉस्फेट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉस्फेट चार प्रकार के होते हैं, राइट ऑप्शन सही है, टिक लगाओ जल्दी। अब JFET तथा IGFET हैं, दोनों अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, कुछ पॉइंट में समानता होती है लेकिन वैसे डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। ये होता है जनसन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये होता है तुम्हारे पास इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा मेरे पास कौन सा होगा, भिन्न होगा, एक ही है, भिन्न है, या कुछ कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं, तो भिन्न होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब निवेशी प्रतिबाधा अधिकतम होती है, जरा ध्यान देना, निवेशी प्रतिबाधा अधिकतम होती है किसकी होती है, ट्रांजिस्टर की होती है, JFET की होती है, IGFET की होती है, या मॉसफेट की होती है, इन तीनों में से एक ऑप्शन चुनना है कि निवेशी प्रतिबाधा अधिक होती है। अभी बताया था आपको तो भैया मॉसफेट की निवेशी प्रतिबाधा सबसे अधिक होती है, और वो भी कितनी होती है, 100 मेगा ओम, कितनी ज़्यादा हो गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, मॉसफेट। ठीक है, अच्छा एक सिंबल आपको दे रखा है आप क्वेश्चन नंबर 22 में, एक सिंबल आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, भैया ये प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो मैंने बताया था कि जब धारा बाहर जाएगी तो वो होगा पी चैनल JFET, और धारा अगर अंदर आएगी तो वो कौन सा होगा आपके पास, एन चैनल JFET। तो यहाँ पे धारा क्या हो रही है, अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एन चैनल JFET है। ठीक है, और अगर धारा यहाँ से बाहर को जाती तो ये क्या होता, पी चैनल JFET होता। अब FET में धारा चालन होती है, किसके द्वारा होती है, जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसमें धारा का चालन किसके द्वारा होता है, एक बार सोच लो, दिमाग लगाओ कि FET में धारा का चालन होता है किसके द्वारा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों कोटरों के द्वारा होता है, या केवल कोटरों के द्वारा, या केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या इनमें से कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से धारा को प्रवाहित कर रही है उसके द्वारा है भाई। तो यहाँ पे FET में इलेक्ट्रॉन और कोटर धारा को प्रवाहित करते हैं, दोनों का काम होता है, किसी एक की वजह से धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मॉस्फेट तथा IGFET हैं, मॉस्फेट तथा IGFET हैं। ठीक है, यहाँ तो भैया दोनों के दोनों डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, मॉस्फेट और IGFET एक जैसा काम करते हैं, तो बोल दिया गया यहाँ पे एक ही होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 मेरे पास है, अब छह मॉस्फेट का अभिलाक्षणिक वर्क होता है, पूरा लिखना, यहाँ लिखना आप पूरा अभिलाक्षणिक वर्क। ठीक है, यानी कि अब छह मॉस्फेट का अभिलाक्षणिक वर्क होता है, कैसा होता है, ट्रायोड जैसा होता है, टेट्रोड जैसा होता है, पेंटोड जैसा होता है, हेक्टोड जैसा होता है। तो ज़रा कैसा लग रहा है आपको भाई, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, हेक्सोड,
जैसा कैसा, तो आप 6 MOSFET का अभिलक्षणिक बर्क होता है पेंटोड जैसा होता है, ठीक है, जैसे पेंटोड का होता है वैसे ही क्या होता है आप 6 MOSFET का अभिलक्षणिक वर्क होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 25 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, और इन्हीं क्वेश्चन को ठीक से याद करो, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे पेपर आपके मॉडल से पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं पेपर में, अभी केमिस्ट्री का पेपर हुआ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके सब मॉडल से आए हैं, तो मॉडल के क्वेश्चन बढ़िया प्रिपेयर करो और इन्हीं क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान देना है, बाकी आप अपने मॉडल से पढ़ लेना जो भी क्वेश्चन हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।